कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, कोटि जन्म पाप जाए क्षण में सब तेरे। जगत बाबरे के संग बाबरो न भेरे, भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहरे। मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नाए बहरे, और कहे गोविंद सदा आनंद में रह रे। अरे मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कह रे। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारा सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। ब्रजमंडल में श्री जी की कृपा से अनेकों साधु संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं, और खूब महाराज सत्संग का प्रसाद संतों की तरफ से प्राप्त होता है। आज हम आपको ब्रजमंडल के एक और संत के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं, जो जंगल में रह करके बड़ी कठोर साधना करते हैं। कैसा उनका जीवन है, कोई लाइट आदि की व्यवस्था नहीं है, बड़ा ही साधारण जीवन जी रहे हैं संत भगवान, और दिन रात प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो आइए ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हम भी अपने जीवन को सफल बनाने का आज प्रयास करें, क्योंकि संतों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में, और कैसे जंगलों में रह करके ये संत भगवान आराधना करते हैं महाराज, दुनिया से दूर रह करके केवल प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के दिन रात भजन कर रहे हैं। आइए चलते हैं दर्शन के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा की कुटिया पर। देखिए यहीं बाबा विराजते हैं, ये कुटिया मिल गई है। आइए चलते हैं, और अब हम बाबा की कुटिया पर पहुंच ही गए हैं। यही बाबा महाराज की कुटिया है, यही बाबा महाराज विराजते हैं, और मैं आपको एक दर्शन कराऊं। देखिए संतों का कैसा जीवन होता है, जंगल में पता नहीं कहां से पानी लेकर के आते हैं, पानी की व्यवस्था है। और यहां बाबा महाराज अपनी प्रसादी तैयार करते हैं। देखिए ये चूल्हा बना रखा है, और यहां ये दो चार लकड़ी हैं, जंगल से लकड़ियाँ बीन लेते हैं और अपनी प्रसादी यहीं बनाते हैं। और यहाँ कोई लाइट आदि की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आइए मैं कुटिया के भी आपको दर्शन कराऊं एक बार। जय हो महाराज, जय हो। देखिए आप कैसा साधारण जीवन है इन महापुरुषों का महाराज, और कितनी सफाई है कुटिया में। ये बाबा महाराज के दो तीन बर्तन हैं, इसमें नमक आदि सब रखा हुआ है, ये दो तीन बर्तन। और कोई ऐसा साधन नहीं है, ना कोई लाइट है, ना कोई पंखा है, और यहीं बाबा महाराज दिन रात प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। धन्य ऐसे महापुरुषों के जीवन को जो प्रभु के आश्रय लेकर के दिन रात उनकी आराधना करते हैं। कोई पंखा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, आप देखिए, और ऐसी विषम परिस्थितियों में रहकर के ये संत दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और हमें लगता है कि बाबा महाराज ऊपर विराजमान है, नीचे तो बाबा महाराज के दर्शन हुए नहीं। बाबा राधे राधे, ऊपर है। आइए, शाम को कुटिया में गर्मी हो जाती है ना, तो संत भगवान ऊपर चले जाते हैं। श्री राधे श्री राधे। और आइए बाबा महाराज विराजमान है। अब हम पहुंच गए हैं कुटिया की छत पर। आइए बाबा के चरणन में प्रणाम। राधे राधे बाबा। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में, आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का, क्योंकि संतों के पास जाने से महाराज सत्संग रूपी प्रसाद जीव को प्राप्त होता है। उसी के प्रसाद के लिए हम और आप आज यहाँ बाबा महाराज के श्री चरणों में आए हैं। तो आइए आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। बाबा आपको पुनः पुनः राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम तो आप अपनो श्री नाम बताओ। हाँ ठीक, नाम है वे फिर अभी तो जन्म से आप बताऊं। जन्म से नहीं, संत बेस का जन्म। चरणदास जी महाराज। चरणदास बाबा। हाँ चरणदास बाबा। तो बाबा आपको ये शरीर कहाँ को है? जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश, और अभी जो कट गए तो छत्तीसगढ़ मान के चलो, छत्तीसगढ़ से ही बात। छत्तीसगढ़ वहाँ आपका जन्म हुआ जी। बाबा कौन सी अवस्था में आपने बैराग को धारण करे? हाँ ऐसा है कि लगभग मान के चलो 50 के आयु में। 50 साल की अवस्था में आपने? 58 हो रहा है मेरा जी। वो अभी मतलब 10 साल हो गया, तो 48-50 के अंदर जी।
यहाँ। तो आप इससे पहले गृहस्थ में भी रहे? हाँ, गृहस्थ में थे, गृहस्थों के रहते रहते, और इसके बाद में सत्संगत जब मिला गुरु से जी, तो ऑटोमेटिक खिंचाव हो जाए हैं, होते हैं, जहाँ किसी का ज़्यादा प्रभाव में जब पड़ते हैं उसका प्रबल हो जाते हैं, तो सत्संग का सदगुरु का आशीर्वाद से थोड़ा। तो ऐसी क्या लीला आपके साथ ठाकुर जी ने करी कि जो आप प्रभु के मार्ग पे बढ़ गए? नहीं, ऐसा ऐसी क्या लीला आपसी घटना क्या भाई आप? नहीं, घटना तो ऐसा बात नहीं है, जब तक देखिए बताया गया है कि सत्संग से ही जी मानव का जीवन आगे और पीछे होते रहते हैं। जब तक सत्संग नहीं करोगे तो क्या है, बचपन से मेरा लगाव था भगवान गुरु के प्रति, आपको बता रहा हूँ। मेरा उम्र जैसा 20-22 साल का था, तो 20-22 साल के अंतर्गत में अपने, अब 20-22 साल के अंतर्गत में आयु हो जाते हैं, कर्म का लाइन तो बन जाते हैं जी, जी। लोगों का, इसके बाद में कर्म करते करते और गुरु के संगति, ये सबसे मुझे ज़्यादा प्राप्ति हुआ। उसी का आधार से आज 45-48 साल की उम्र के आधार से और गुरुजनों के सत्संग में अब चल रहे हैं, घूम रहे हैं। एक छोटा सा तुलसी शास्त्री भी जी है, कुछ विद्या प्राप्त हो गए तो निरीक्षण भी करते हैं, और कोई भी अगर कहीं समस्या है उसका समाधान करने वाला भी परमात्मा है, हम लोग क्या करेंगे, एक रास्ता बताने बताने का काम करते हैं बस। तो बाबा जब आपने बैराग धारण करे और ग्रह छोड़ के घर को छोड़ के, हाँ हाँ, आप कहाँ पधारे सबसे पहले? हाँ, आप पहले तो आप यही वृंदावन मान के, यही बरसाना मान के चलो, बरसाना ही आया। हाँ, आप सीधे? हाँ, पहले तो वृंदावन आया हूँ, पहले वृंदावन, पहले वृंदावन जी, वृंदावन के बाद वहाँ फिर घुमा, उस समय रहा ज्यादा दिन नहीं, इसके बाद यहाँ थोड़ा मुझे आनंद लगा बरसाना जी, तो बरसाना में अभी समय अपनी व्यतीत हो रहा है। और तो अभी आप यहाँ कितना समय आपको हो गया? अब यहाँ 4 महीने हो गए। 4 महीने से आप यहाँ? 4 महीने से। तो बाबा जंगल में ही क्यों रहे में हैं? ऐसा है, देखिए संतों का, बस्ती में भी आप रह सके हैं। हाँ, फिर ऐसा क्यों कि आप जंगल में, यहाँ कोई लाइट आदि की कोई व्यवस्था नहीं, और अनेकों जानवरों की भी आपको? हाँ, जंगल में जो जीव तो है, जहरीले तो, जीव भी घूमते हैं। हाँ, तो सर्प बिच्छू का या तो जगह है, स्थान है, जंगल है, खेत है, ऐसा बात नहीं है, बाकी उसमें मुझे कोई प्रभाव नहीं है। मुझे एकांत चाहिए, एकांत, एकांत के मतलब है कि शांति पूर्वक। जी। अब क्या कहीं बाजार में जाओगे तो बाजार का भाव अलग रहेगा जी, मंदिर का भाव अलग रहेगा, और एकांत जब बैठोगे अलग भाव हो। तो कभी भी मैं अपना सत्संगत किया हूँ तो एकांत में ही मेरा काम, और गुरु और भगवान की कृपा से अच्छे चल रहे हैं। आज भी कोई भी अगर सोचा हूँ मैं काम, मेरा पूर्ण कर देते हैं परमात्मा, सबसे बड़ा चीज। तो बाबा इसीलिए हम यहाँ आनंद में, अभी कैसे आनंद को आप प्राप्त करें, यहाँ कैसा आनंद आवे आप भाई? ऐसा आनंद है जो भाई आप लोग चल रहे हैं संसार में, आए ना देख रहे हैं, या वही तो आनंद है। क्या है जी, मार्गदर्शन के आधार से कि भाई ये तो यहाँ राधा रानी का जो जगह है, भगवान कृष्ण और राधे का जन्मभूमि स्थल है जी, तो भाई इस स्थल में तो जरूर दर्शन करना मानव का, ये सबसे बड़ी प्रेरणा है, पहले उसको दर्शन कीजिए, इसके बाद फिर जो भी कर्म है अपना, तो कर्म का आधार से फिर आगे कर्म। तो बाबा यहाँ जंगल में आपकी भोजन आदि की व्यवस्था? हाँ, भोजन ऐसा है कि ये गांव बगल में है, गाजीपुर लगा हुआ है, तो वहाँ ब्रिजवासियों से मांग लाते हो? ब्रिजवासियों से मांग लेते हैं, और अच्छे तरीके से हमको मिलते हैं, कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा से ब्रिजवासी खूब प्रेम। हाँ, बहुत प्रेम, ऐसा बात नहीं है, ये मान के चलो, अब तो ये नहीं कर सकता हूँ, बाकी 98% मान के चलो, 100 तो नहीं कहूँगा, 100 में फिर ज्यादा हो जाते हैं जी, सबसे प्रेमी है, और हम चाहते हैं प्रेमी से संगत भी किए है। अब बताए आज का उम्र के आधार से भी 57-58 साल का जो उम्र है हमारे, और 2-4 जगह अभी घूम के देखे जगह को, स्थल को, और कुछ समय आश्रम में गुरु का स्थान में रहे, और कुछ समय मंदिर में भी पूजा किए, अभी कुछ समय के लिए अभी यहाँ पर बैठा हूँ, एक मोटा हिसाब बरसाने के अंतर्गत जी, ये तो मैं बस गुरु और मंदिर के ही सेवा करते अपना समय बीत रहा है, सब फिर आगे भगवान जाने, ऊपर वाले गुरु की कृपा होगा तो ऐसा हो जाए, किसी दिन बस्ती में जाने का अवसर ना मिले तो आप यहाँ नीचे चूल्हा बना हुआ? अच्छा, सुनिए, डेली नहीं बनता है ऐसा, हम अपने व्यवस्था भी रखे हैं, अच्छा। चावल दाल मिल जाते हैं, कहीं रोटी तो अपना बना लेते हैं, क्योंकि संतों के पास तो संत भी आ जाते हैं, संत आ जैसा आप हम अकेला गए वहाँ एक मधुकरी के लिए, और यहाँ कहीं दो संत आ गए हैं तो उसके लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए वहाँ चूल्हे पे बना लेते हैं, चूल्हा बनाया है, और साक्षात चूल्हा सामने में जी, दरवाजे के सामने में रखे हैं, लकड़ी जंगल से ले आते हो, और जंगल से टूटी फूटी जो है हाँ।
है ना, उसमें अपना जिंदगी चला रहे हैं और अति आनंद से हैं, खूब आनंद प्राप्त हो, आनंद प्राप्त है। बड़ी भाई जी, देखने के लिए जंगल है और हमारे लिए एक मंदिर है, हम चाहते हैं मंदिर है। मारे संतन की तो ऐसी कृपा है, जंगल में रहे वहाँ भी मंगल है, मंगल है बताए, यहाँ भी हमारे संतन की तो ऐसी लीला है कि संत तो जहाँ भी रहे वहाँ आनंद है, वहाँ मंगल, मंगल है बस। यहाँ भी हमारे लिए कोई कमी नहीं है, चाहे आप मंदिर में रखो चाहे जंगल में, जीव में जंगल में रखो, मेरा एक समान सब चलते है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, आप कहीं पे रख दो मुझे कोई प्रभाव नहीं है। तो बाबा ये जो भूमि है ये हमारे प्रियाजी और लालजू की नित्य लीला है, हाँ, हाँ, ना ठीक है, यहाँ अनेकों लीलाएं ठाकुर जी रोज कर रहे हैं। हाँ, जी, जी। तो आप यहाँ जंगल में रह रहे हैं, प्रभु को आश्रय लेके, हमारी किशोरी जी को आश्रय लेके, हाँ, कोई लीला को ऐसा दर्शन कभी आपने प्राप्त करे, हाँ, ऐसा कोई ठाकुर जी की, हाँ, कोई लीला आपके संग, भाई बिल्कुल गुरु का दर्शन हो गया जी भाई, गुरु का जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक भगवान के दर्शन, आप कृपा करो ऐसा कोई आपके संग में कोई लीला भाई हो, नहीं लीला बता, नहीं लीला नहीं, ऐसा है देखिए जो हम अपने हिसाब से जो कर्म काम किए और काम करते करते जो भी अपना मन में और आत्मा में जो विचार हुआ जी, वो हमारा सफलता प्राप्त हुआ, वही गुरु है जो रास्ता बताएंगे जी, कहीं पे अभी हमको नुकसान नहीं हुआ है, हुआ है क्योंकि उसी के शरण है गुरु, कहे ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पहले जैसा रास्ता है कर्म तो यह, ये कर्म है कांडी है, ये देखिए जन्म देने वाला तो परमात्मा है, भगवान है जी, और कर्म दाता केवल गुरु है, गुरु से शिक्षा पाकर गुरु से ही विद्या प्राप्ति करते हुए आज साधु संत यह संसार में घूम रहे हैं चल रहे हैं, ये हमारा तो वाक्य है भाई, अब ज्यादा तो नहीं कहूँ पंडित जी, है ना। महाराज जीव को कैसे प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, आज समस्त संसार में जीव कष्ट पा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं अनेकों प्रकार के, खूब सब साधन मौजूद है, खूब रुपया पैसा भी है, खूब बंगला गाड़ी भी है, परंतु सुख नहीं है, केवल मन में संतोष नहीं है, मन को अगर कहीं संतोष किया जाए तो उसमें सुखी आएगा, और मन है अभी चलता है आदमी के, लोभ ज्यादा है, लोभ के आधार से ही यानी भगवान का भक्ति नहीं हो पा रहा है, और ये चल रहा है फिर रहे हम देख रहे हैं, आज देखोगे और 20 साल के अंतर्गत में देखो जैसे 1900 का वातावरण अलग था, और जब से 2000 लगा है वातावरण सब बदल गए, बिल्कुल मैं 19 का वातावरण अलग था और 2000 का वातावरण बदल गए, इसके बाद फिर अगला बदलेगा, क्यों हम ही लोग बदला रहे हैं, दूसरा नहीं बदला रहे हैं, परमात्मा नहीं कह रहा है, परमात्मा तो एक है, हमारा जो वातावरण है तो लालच करने से आदमी का मोक्ष नहीं बता रहा है परमात्मा, चाहे लाखों हो करोड़ों हो रुपया हो उसे मतलब नहीं है, केवल भाव भाव के भजन भाव के भूखे हैं परमात्मा, और सही रास्ता लाइन सही रास्ता होना चाहिए मानव के लिए, और कर्म सही सच्चा करो, सच्चा तो कर्म करो। अब हम बोले भाई हम चारपहिया गाड़ी में चल रहे हैं हम दुखी पा रहे हैं, तो चारपहिया गाड़ी में चल रहे हैं दुखी क्यों पा रहा है, पैदल चलने वाला दुखी पाएगा, और चारपहिया चलने वाला वो तो स्पेशल है क्योंकि दुख है, तो उसका जो मत जो है उसका जो विचार जो है तेन विचलित में डूबा हुआ है, इसीलिए उसका शरीर में दुखी है, और आगे सुखी नहीं मिलेगा, क्यों वो तो दुखी दुखी होगा, आज ये बनाऊंगा कलो बनाऊंगा कलो ही। बाबा एक चीज देखो, आप ग्रस्त में रह के नहीं है, संसार में हम लोग रह के नहीं है, सब साधन है हमारे पास, और उस सुख को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे जो आप जंगल में रह के प्राप्त कर रहे हैं, उस परम आनंद को आप यहाँ जंगल में जहाँ कोई साधन नहीं है, हाँ, साधन है, यहाँ तक कि आप लाइट की भी, हाँ, रोशनी की भी व्यवस्था नहीं, 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 नहीं है, और यहाँ एसी लगे हैं महाराज हमारे घर में, हाँ, और वहाँ हमको वो आनंद नहीं प्राप्त होता, नहीं, ठीक है, तो आपको जंगल में वो आनंद, हाँ, तो बाबा ऐसा कैसे अंतर है, हाँ, और हमें भी वो आनंद कैसे प्राप्त हो जो आपको प्राप्त हो। देखिए कोई भी चीज है संतोषम फलदायकम, पहले तो अपन आत्मा और मन को दोनों को विचार करके संतोषजनक रखो, संतोष में ही सब चीज हो सकता है, अगर संतोष नहीं है असंतोष है तो असंतोष में तो आप कहीं राधा रानी की रोज रोज जाओ 4 बजे पूजा करो 5 बजे जाओ मंगला में और फिर वही आकर्म कर रहे हो गलत, तो ये इसमें तो क्या मिलेगा, फिर दुखी तो मिलेगा। सुख करना है तो केवल भगवान का भजन है, एक बताया गया है भाई भगवान का भजन आ गया, तो हम एक छोटा सा ब्रह्मानंद का भजन सुना रहे हैं, आप सुनिए, कहे गए हैं कि आज के जो लोग में आत्मा से कोई भी चीज निकलता है और आत्मा से ही कोई चीज अपना डूब जाते हैं जी।
तो एक भजन बताया गया है, कहे जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे। ये प्रसंग जो आया जो अभी चल रहा है इस संसार का रीतिक बात है। तो जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे। अरे बालकपन सब खेल गवायो तिरिया मोहे जवानी रे, जय हो। अब बुढ़ापा में रोग सतावे अब यही काया हो तो तेरी पुरानी रे, जय हो। जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे। तो दिन दिन पल पल छिन छिन जावे जी मंजली का पानी रे, अरे दिन दिन पल पल छिन छिन जावे जी मंजली का पानी रे। गया वक्त फिर नहीं आए जैसे छूट गया तीर कमानी रे। जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे। तो हाथी घोड़ा माल खजाना राजपाट पटरानी रे। देखिए कहाँ आ रहा है बात, है ब्रह्मानंद जी कह कहे तो हाथी घोड़ा माल खजाना और राजपाट पटरानी रे। और श्वास जब निकल जाए बदन से और शपथ होगी तेरी बिगानी रे। कहे बेटा बिछड़ जाएगा, क्यों भगवान को तुम छोड़ रहे गुरु को, इसलिए। तो क्या कह रहा है, जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे। तो यह स्वप्न समान जगत की रचना क्या भूला अभिमानी रे, यह स्वप्न समान जगत की रचना क्या भूला अभिमानी रे। ब्रह्मानंद भजन बिना प्रभु की और जीना है नर तेरी सारी जिंदगानी रे। जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे, जपो हरि नाम बंदी उमरा बिहानी रे। तो यह है ब्रह्मानंद का भजन है। सोच समझ अपूर्व है महाराज जी, कर्म है, कर्म ही हम माने हैं। कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करी तस फल चाखा, कर्म से बड़ा और संसार में कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, ये तो सब देखने का है। चारों धाम बनाया है, चार दिशा है, उत्तर में बद्री नारायण, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारका, चार दिशा बनाए गए है। और चारों दिशा केवल मानव के दर्शन के लिए है। और जितना भी है कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, बाकी संसार में सब। हम दुखी क्यों हैं, हम दुख क्यों पा रहे हैं, इसीलिए पाए हैं, हम उस पर लालच कर रहे हैं। और कर्म ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं है, क्यों एक गाड़ी हो गया तो बोले कि अब मुझे दो गाड़ी चाहिए, और दो दिया भगवान तो कहे चार, ऐसे करते करते तो 40 दिन हो गए आपके पास, तो भगवान का भजन कहाँ हो पाएगा। भगवान का भजन करना है तो भाई वही एकांत में बैठ जाओ, माला जपना है, ऐसा चलते फिरते माला जपते हैं वो हम बेकार समझते हैं वो, उसको चाहे मेरे गुरु क्यों ना हो, क्यों माला अगर जपना है एकांत बैठी है। अब ये दिखावा है माला, संत कहे हैं कि भोजन और भजन आसन में बैठ के हो, ये दिखा रहा है, ये सुने दुनिया के दिखाने का है। इसको हम कहते हैं लूट मार। हमारे तरफ जाओ छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई झोला धर के ऐसा नहीं घूमता है, क्या ब्रिज का ये नियम है, सिस्टम है, केवल मात्र ब्रिज में चलता है, क्यों वो राधे राधे वाला माला। हमारे तरफ क्या है, अरे सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सीधा राम राम भैया जय सीताराम, यही चलता है हमारे पास, हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में यहाँ राधे राधे कुछ जो राधे, तो राधे भी है, परमात्मा है, जगत जननी माता है, कोई दूसरा नहीं है, और भगवान भी कृष्ण महादेव, ये तो भूमि ही बाबा राधा राधा कृष्ण की है। हाँ राधा कृष्ण का जन्म, तो यहाँ तो उन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वही है, उन्हीं का नाम लो भाई, राम और कृष्ण कोई फर्क नहीं है। जब जब विपद पड़ी तब तब भगवान ने उतार लिया, भगवान ने 24 उतार लिया है जी, विष्णु जी भगवान 24 उतार लिया है, 24 कला के आधार से बताया गया है। दत्तेत्रेय ने गुरु बनाया, 24 गुरु बनाए है ना, किसी ने बनाया वो देखा कि छानबीन के कहाँ कहाँ पे क्या चीज है, जहाँ से शिक्षा प्राप्त, जहाँ शिक्षा प्राप्त हो, तो सबसे बड़ी चीज शिक्षा ही गुरु है, रास्ता बताने वाला, वही कल्याण करते हैं। उसका कहलान में चला गया, अब गुरु बना लिया, अब गुरु के पास एक दिन कहीं भजन नहीं किया, एक दिन उसको चाय नहीं पिलाया, भोजन नहीं बना दिया, फिर क्या गुरु बनाया, नाम का गुरु है, काम का गुरु नहीं है।
आजकल तो बाबा गुरु भी कई कई बना लें। ओ तो सुनिए, वो भाई गुरु जो बना रहा है तो उसको भी जरूरत है कि लालच कि हमको इतना चेला होना चाहिए जी, और सब बिफाटर चेला पाओगे। अरे वहाँ तुम ये दो दिन रह नहीं पाए, गुरु गुरु बना लिया, कौन जगह लिखा है वेदशास्त्रा में ब्राह्मण के अगर कहीं गुरु बनाना है तो साल भर लगता है, एक साल, क्षत्रिय को 2 साल लगता है, वैश्य को 3 साल लगता है, शूद्र को 4 साल लगता है, तब उसके पास ही चेला और गुरु बनाइए, ये हमारा प्रमाणित है, वेदशास्त्र बता रहे हैं जी। और 2 दिन में कहाँ से गुरु बन गया और कहाँ से चेला आ गया, ये डुप्लीकेट, दोनों डुप्लीकेट है, गुरु भी डुप्लीकेट और चेला भी डुप्लीकेट। तो हम ऐसे काम नहीं करते, सच्चा काम करो ताकि गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा सब जगह चले रहे। हम भी आज जैसा आप चलते हैं, आप यहाँ आए हो, बहुत अच्छा है, धन्यवाद है, कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। और हम भी कभी भी चलते हैं, एक जगह नहीं 10 जगह मार्गदर्शन देकर हम भी बैठे हैं, मंदिर में सेवक ही हैं। और बुजुर्ग जो है, बुजुर्गों से, पिताजी से हम मानते हैं, उसका भी आशीर्वाद बहुत लिए हैं। और आज भी 4 आदमी हमारे पास बैठते हैं गुरुजनों, जिसका आयु है अभी 85 साल, 90 साल, 78 साल, 75 साल का बैठते हैं, और हम 40-50 साल के उसके पास हम नहीं बैठे, क्योंकि हमारा मन वही में सीधे से डाउट कर देते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं बैठना है। तो कहे बड़े संग्रह है तो खाए गुरु पान, और छोटे संग्रह है तो कटाए दोनों कान। तो हमको दोनों कान नहीं कटाने, दोनों कान को अच्छा रखना है। संगत करे तो बड़े की करो, ऐसे छोटे की नहीं। हाँ गुरु जी, ऐसा है महाराज जी, बहुत सुंदर बाबा है, हमारा है तो अच्छा है। अंत में बाबा, जो भक्त आपको देख रहे हैं, हाँ, उनको 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप कह दो, उनको आशीर्वाद आप दे दो, संतन को आशीर्वाद मिल जाए। अच्छा आप यहाँ आए हो, बड़ा हमको आनंद लगा, और आनंद ही आनंद रहेगा, और हमारा भी, और गुरु का आशीर्वाद। बाबा जहाँ पे ठाकुर जी कृपा करें, वहाँ पे आप जैसे संतन की जो है कृपा हो, तब आपके दर्शन है पाए, जाके ऊपर श्री जी कृपा करें तब संतन के दर्शन हो। केवल बस आत्मा मन को यही में थोड़ा सा सीमित कर लो जी। बाबा आपने खूब कृपा करी, आपके चरणन में मेरे बार बार प्रणाम, क्योंकि ऐसे संतन के दर्शन है जानो महाराज, भाग्योदय है जाए जिनको, आपके लिए धन्यवाद। राधे 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 राधे। बाबा महाराज एक ही चीज कहे हैं कि जीवन में संतोष को धारण करना चाहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन तो सब धन धूर समान। बिल्कुल बिल्कुल, जीव के हृदय में जब संतोष रूपी धन आ जाता है, हाँ, तो ये संसार का जो धन है वो मिट्टी के समान हो जाता है। हमेशा जीव को संतोष धारण करना चाहिए, जितना प्रभु ने दिया है, हाँ, उसमें आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए, जीव को प्रसन्न रहना चाहिए, और बार बार प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु मैं इस लायक नहीं था, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा करी और इतनो आपने दियो है। संतोष अगर हृदय में होगा तो जीव अनेकों प्रकार के कलेशों से बचा रहेगा। संतोष को हृदय में धारण करो और प्रभु के नाम को नित्य स्मरण करते रहो, 24 घंटा स्मरण करते रहो महाराज, यही ते जीव की मुक्ति है जानी है। श्री जी के चरणन को आश्रय लेके और खूब आनंद से प्रभु को भजन करो। आज आपने ऐसे महापुरुष के दर्शन और सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को घर बैठे होते रहें, क्योंकि महाराज ऐसे संतों के दर्शन तो उनको होते हैं जिनके ऊपर हमारी किशोरी जी कृपा करती हैं, क्योंकि जंगलों में छुप करके ये संत तपस्या करते हैं, संसार के कोई साधन इनके पास नहीं है, केवल साधन है तो प्रभु नाम का। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन के लिए, इनके सत्संग के लिए आप संत महिमा चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत संत की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।